so well, team india has lifted the t20 world cup trophy and the whole nation is celebrating. and joining me is mr. rajkumar sharma, the coach of virat kohli, who actually played the phenomenal inning, you know, beating south africa. that was the crucial knock. and, you know, keeping in mind, the virat kohli's back was unsilenced. but on the finals, virat kohli stood for the team india and contributed at max. rajkumar sir, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं क्योंकि आपने ऐसे हीरो को तराशा जिसने पूरे देश की जो है ना जो धड़कन होती है वो बांध के रखता है विराट कोहली इतना बड़ा खिलाड़ी आपने उन्हें बनाया उन्होंने मेहनत की आपने मेहनत की लेकिन मैं कल के मुकाबले पे आऊंगा आपका बीपी कितना था कल Uh, देखिए टेंशन तो होती है वर्ल्ड कप फाइनल था और सभी को बहुत उम्मीदें थी और हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे इस वर्ल्ड कप का क्योंकि हम uh, दो फाइनल्स uh, में पहुंच के जीत नहीं पाए थे तो कल बहुत सारी आशाएं थी उम्मीदें थी दुआएं थी सबकी और विच पेड ऑफ एंड इंडिया वन द मैच डेफिनेटली एंड वॉट वॉज गोइंग थ्रू इन योर माइंड कीपिंग यू नो सी एटुएशन एंड रोहित शर्मा गट आउट थ्री विकेट Was there a belief on Virat Kohli that this is the day he can do it? I was very sure because if you see his uh, you know past, if you see his career, he has always uh, liked the sit tough situations. He always likes uh, challenges, and it was there uh, yesterday. You know, uh, we were 34 for three, and uh, we needed somebody to take that uh, team along. You know, and uh, who else better than Virat would have done this, which he has done, uh, He has been doing for last 15 years, and uh, he has won so many matches from this uh, position only, and. Uh,

देखिए वो बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि आईपीएल में बहुत अच्छा करके गया था ओपन करके और एक ये टीम की स्ट्रेटेजी होती है टीम की प्लानिंग होती है क्योंकि आपको मिडिल ऑर्डर भी देखना होता है तो वहाँ पर कि मिडिल ऑर्डर में कौन रहेगा आपको बीच मिडिल ओवर्स में वो बल्लेबाज चाहिए थे वहां के स्पिनिंग ट्रैक्स पे जो बड़े हिट्स लगा सकें जो स्पिन अच्छा खेलते हो तो उसी के तहत ये स्ट्रेटेजी बनाई जाती है एंड उस चीज में मैं बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता हूँ बिकॉज ये एक टीम का अपना मसला होता है आप प्लानिंग होती है तो उसमें वो डिस्कस हम जरूर करते हैं लेकिन मैं कभी भी उस उन चीजों में इंटरफेयर नहीं करता हूँ क्या कह रही है या आपका क्या फैसला है वो बिल्कुल ठीक है मैं उसके पर्सनल बैटिंग के बारे में जरूर उससे बात करता हूँ बिल्कुल ठीक है और हमने देखा भी है कि जब भी विराट कोहली का अगर वैसे तो आता नहीं है अमूमन बैड फेज लेकिन अगर आता है तो टिप्स जो है राजकुमार सर की तरफ से जरूर जाता है कि कहां पे रेक्टिफिकेशन एरिया कहां पर है चीज पर काम करना है अच्छा राजकुमार सर एक चीज और देखिए 2010 मेरा वो टाइम जब हरारे में बॉम्बे के अगेंस्ट विराट कोहली टी ट्वेंटी में पहली बार मुकाबले में उतरे थे 2010 से लेकर 2024 आया और इस दौरान विराट कोहली को एक रॉ टैलेंट रॉ तो नहीं कहना चाहिए एक यंग टैलेंट से एक मुकम्मल खिलाड़ी बनते हुए हमने देखा स्पेशली टी टी ट्वेंटी में ये विराट कोहली का टर्न अराउंड कैसे हुआ और विराट कोहली इतने अग्रेसिव खिलाड़ी क्योंकि कोई सा भी फॉर्मेट खेलते हैं वहाँ पर उठा के देख लीजिए उनका स्ट्राइक रेट कमाल का होता है तो ये कैसे हुआ आपने क्या उनको गुरु मंत्र दिया है देखिए वो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है गेम का और एक उसको भूख है अच्छा करने की वो हमेशा जीतना चाहता है अपनी टीम को अपने से पहले रखता है मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि वो रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलता लेकिन वो जो एक उसकी भूख है कि मैं मैं जिताऊंगा वो एक सेल्फ एबिलिटी पे जो उसको भरोसा है अपने ऊपर कि कोई भी सिचुएशन होगी जितना मर्जी डिफिकल्ट अपोजिशन होगा कैसे भी विकेट होगी मैं जिताऊंगा और इसीलिए उसका ये जो जज्बा है इसी जज्बे की वजह से अगर आप देखें उसकी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा बहुत अच्छी रहती है जब भी टफ पोजिशन आता है या टफ सिचुएशन आती है तो वो हमेशा हाथ खड़ा करके करता है कि मैं मैं करूंगा यही उस खिलाड़ी की खासियत है और वो जो भूख है कि भारत वर्ल्ड नंबर वन रहे उसके लिए वो बहुत मेहनत भी करता है अच्छा वो सोचते नहीं है कि रिकॉर्ड बने लेकिन रिकॉर्ड उनके पीछे पीछे चलते हैं और अपने आप बनते जाते हैं कल के मुकाबले अगर इस टूर्नामेंट में हम देखें राजकुमार सर तो विराट कोहली के बल्ले से कुछ चिंगारियां आई नहीं थी यानी रन आए नहीं थे और सेमीफाइनल जब आ रहा था तब यह लग रहा था कि, कि हो सकता है विराट कोहली यहां पर चले क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विराट कोहली बड़े मैच के खिलाड़ी है आपको कॉन्फिडेंस था कि कोई बात नहीं अभी रन नहीं आए लेकिन विराट फाइनल में कुछ कमाल करेगा आप अगर मैं डेली ही टीवी करता हूं बहुत सारे चैनल्स के लिए तो आप सब लोग मेरे से पूछते थे विराट के रन नहीं बन रहे कैसा होगा बट आई वॉज वेरी श्योर बिकॉज वो अच्छा खेल रहा था ऐसा नहीं कि वो बीट हो रहा है और ऐसे बॉल नहीं समझ आ रही बार बार बीट हो रहा है कैच छूट रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा था वो अच्छा खेल रहा था जो भी बॉल खेल रहा था वो मिडिल कर रहा था तो आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड आई न्यू कि बड़ी इनिंग आने वाली है और बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो बड़े प्लेटफॉर्म पे करता है टीम को जब जरूरत हो जो उसने हमेशा से किया है तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड श्योर एंड सो वॉज ही मतलब वो भी बिल्कुल भी परेशान नहीं था या कोई चिंता का विषय नहीं था टी ट्वेंटी देखिए एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आपको सब आपको चांस लेना पड़ता है और उनको एक जिम्मेदारी दी गई पावर प्ले को कैश करने की तो वो एक डिफरेंट रोल था जिसके लिए उन्हें जाना था हर बॉल पे ही शॉट मारने जाना था तो उसमें एक दो मिस्टेक्स भी हुई लेकिन वो एक मतलब टीम की नीड थी लेकिन कल एक बड़ा प्लेटफॉर्म था टीम को जरूरत थी तो उसने दिखाया कि उसकी क्या क्लास है और जो हमेशा से करता आया कल भी उसने वही किया बिल्कुल और इसी चीज की जरूरत भी थी सर हमने देखा कि पिछले आप टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप देखिए इंडिया की परफॉर्मेंस और दो हजार चौबीस की टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस यह भारतीय टीम आपको अलग भारतीय टीम नजर आई इन टर्म्स ऑफ स्किल्स इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड इन टर्म्स ऑफ एकदम अलग बिल्कुल देखिए काफी चेंजेस हुए टीम का एक टेम्पलेट मैं कहूंगा सबसे बड़ा चेंज हुआ टीम ने मतलब भरोसा रखा कि हमें एग्रेसिव ही क्रिकेट खेलनी है जिस तरह इंग्लैंड ने बेसबॉल क्रिकेट शुरू किया था कुछ उसी तरह का एक एटमोस्फेयर इंडियन ड्रेसिंग रूम में भी था कि आप जाएंगे आप अटैक करेंगे भले आपके दो तीन चार प्लेयर आउट भी हो जाएं लेकिन आप अटैक करते रहेंगे आप वो सब नहीं होंगे दैट इज ऑलवेज गुड एक पॉजिटिव इंटेंट था लेकिन वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ आपको एक्सपीरियंस चाहिए प्लान बी भी होना चाहिए जो कल हमें वर्ल्ड कप फाइनल में करने को पड़ा कि हम स्टार्ट तो उसी फ्लैम बॉइन से हुए थे कि हम वो छे ओवर में साठ रन बनाएंगे अनफॉर्चुनेटली हमारे तीन विकेट गिर गए तो वो विराट वहां क्योंकि वहां पर था एक प्रोफेशनल खिलाड़ी वहां पर था एक चैंपियन वहां पर था उसने उस सिचुएशन को समझा संभाला और वो प्लान बी पर गया कि अभी नहीं मुझे रुकना है मैं एक्सेलरेट तो कभी भी कर लूंगा लेकिन अभी अगर विकेट गिर जाएंगी तो टीम के रन नहीं बनेंगे और अपनी मैच हार जाएंगे तो कंसोलिडेट किया उस पोजीशन से उसने जो कि एक बहुत ही शानदार सोच थी उसकी और उसी सोच की वजह से भारत 176 तक पहुंचा वरना अगर उस समय विराट आउट हो जाता तो शायद बहुत नुकसान होता टीम का तो इस तरह की सोच बहुत जरूरी है आपके पास क्रिकेट में आप सिर्फ एक ही प्लानिंग नहीं करके चल सकते कि नहीं भाई मैं तो इस ओवर में चार चौके मारना ही है मैं पंद्रह रन बनाऊंगा

ऐसा आपको लग रहा था देखिए मुझे तो जब इंडियन टीम यूएस गई थी तभी से लग रहा था पहले मैच से मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि भारतीय टीम ये फाइनल जीतेगी क्योंकि बहुत अच्छी टीम सिलेक्शन था मैं क्योंकि बहुत अच्छी टीम सेलेक्ट ही थी सेलेक्टर्स को क्रेडिट देना चाहूंगा बीसीसीआई को क्रेडिट देना चाहूंगा कि बहुत अच्छा ये टीम उन्होंने बनाई थी और मतलब आईपीएल की वजह से सभी प्लेयर्स फॉर्म में थे और ये अगेन क्रेडिट गोज टू बीसीसीआई फॉर आईपीएल तो मैं शुरू से बहुत कॉन्फिडेंट

तो क्या बोला था बतौर कोच बिल्कुल मैंने यही कहा था कि आपको तो झाके वहां एक्सप्रेस करना है अपना ऐसे ही खेलना है जैसे विराट कोहली खेलता है बस विराट कोहली जैसे खेलता है अगर आपने वैसा ही इस टूर्नामेंट में खेला तो भारत ये टूर्नामेंट जीत जाएगा और मैंने यही कहा था कि बहुत अच्छी टीम है बहुत अच्छा एक टेम्पो बना हुआ एक मोमेंटम है टीम के साथ एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट चांस फॉर यू पीपल टू विन दिस वर्ल्ड कप अच्छा कल के वैसे तो हमें पता ही है कि कल के मुकाबले में हमारे स्टार खिलाड़ी कौन है लेकिन आई थिंक सारे स्टार्स है लेकिन एक चीज चलते चलते मैं आपसे क्विकली पूछना चाहूंगा कि दो प्लेयर अब जा भी रहे रोहित शर्मा विराट कोहली ये डिसीजन को आप कैसे देखते हैं और आपको लगता है कि उन्होंने ये डिसीजन नई जनरेशन को ध्यान में रखते हुए लिया बहुत बड़ा डिसीजन है और मैं अप्रिशिएट करूंगा और बैक करूंगा उनके डिसीजन को दोनों ही महान खिलाड़ी उस स्टेज पे छोड़ के जा रहे हैं आप एक सोचिए एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन जिसने वर्ल्ड कप जिताया हो देश को और वो अनाउंस कर दे कि मैं छोड़ रहा हूँ तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रोहित शर्मा ने सेट किया है वहीं विराट कोहली उस वर्ल्ड कप के फाइनल के मैन ऑफ द मैच जो की बेस्ट परफॉर्मेंस होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए वहां से वो उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया तो दोनों महान खिलाड़ी जा रहे हैं और बहुत आसान नहीं होगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए इतने इन इस गैप को फिल करना लेकिन फॉर्चुनेटली इंडिया के पास अच्छे यंगस्टर्स हैं जो कैपेबल हैं इन प्लेयर्स की जगह लेने में यहां तक जहां तक ये दोनों प्लेयर्स पहुंचे हैं वहां पहुंचने में समय जरूर लगेगा लेकिन टैलेंट हमारे पास बहुत ज्यादा है Okay, so thank you so much, Rajkumar sir. So, this was Mr. Rajkumar Sharma. He was pretty confident that India will be able to manage and lift up the T20 World Cup trophy. And also, you know, he expressed his thoughts on uh, Virat Kohli's uh, T20, you know, on, uh, retirement and also Rohit Sharma's uh, retirement. And he, he was quite sure that it is going to be a tough task for the youngsters to fill up the legend's boot.